स्टूडेंट्स बीएड एडमिशन 2024 एडमिशन लेते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है जिससे कि आप होने वाले फ्रॉड से बच जाएं। हरियाणा में हर साल हजारों छात्र आते हैं एडमिशन लेने के लिए, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, बंगाल में, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीएड काफी रीजनेबल पड़ती है। लेकिन जब आप अदर स्टेट में बैठे बैठे कहीं पर भी किसी को भी पेमेंट डाल देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा चांस बनते हैं आपके साथ में फ्रॉड होने के। तो आपके साथ में फ्रॉड कैसे ना हो, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। सबसे पहला फ्रॉड होता है स्टूडेंट्स के साथ में फीस को लेकर। स्टूडेंट्स किसी भी कंसल्टेंट के अकाउंट में कैसे भी अपनी मर्जी से फीस डाल देते हैं और बाद में वो कंसल्टेंट स्टूडेंट की फीस लेकर फरार हो जाता है और स्टूडेंट्स ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट को सबसे पहले कॉलेज का नाम पूछना है कि आप कौन से कॉलेज में हमारा एडमिशन करवाएंगे। 99% कंसल्टेंट आपको कॉलेज का नाम ही नहीं बताएंगे, वो सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। तो ऐसे कंसल्टेंट से आपको सावधान हो जाना है। आपको पहले कॉलेज का नाम पता करना है, फिर सेकंड नंबर पर उस कॉलेज के अप्रूवल चेक करने हैं। कॉलेज का अप्रूवल आपको nctee.govt.in वेबसाइट, जो कि एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको चेक करना है और उस कॉलेज के अकाउंट में ही आपको फीस जमा करनी है। तो सबसे पहले तो इन दो सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि एक फीस में आपकी बात हो गई, 1,00,000 रुपए की बात हो गई आपकी आपके कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट को भी बीच में रखना जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अगर आप नॉन अटेंडिंग मोड से एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज भी आपको उल जलूल खर्चों के अंदर फंसाने की कोशिश करता है और आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश करता है। अब थर्ड सावधानी आपको बरतनी है माइग्रेशन को लेकर। हरियाणा का सबसे बड़ा रूल है कि हरियाणा में आपको माइग्रेशन नवंबर तक जमा कर देना है। जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन ओरिजिनल माइग्रेशन है आपको वो अपने कॉलेज में जमा कर देना है। जमा करके आपको रिसीविंग जरूर लेनी है कि आपने अपना माइग्रेशन कॉलेज में जमा कर दिया है। अगर आप रिसीविंग नहीं लेते तो आपके पास में कोई सबूत नहीं होता और इस केस के अंदर कॉलेज अगर बाद में मना कर देता है कि आपने ओरिजिनल माइग्रेशन जमा नहीं करवाया है तो आप अगेन फंस जाते हैं और आपको फिर डुप्लीकेट माइग्रेशन निकलवाना पड़ता है और देन फिर एक्स्ट्रा फीस के साथ में जमा करना पड़ता है। तो माइग्रेशन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हर बार एडमिशन के टाइम पे। तो आप अपना लास्ट क्वालिफिकेशन का ओरिजिनल माइग्रेशन जरूर निकलवा के रखें और अपने कॉलेज के अंदर जमा कर दें। फोर्थ नंबर पर है नो ड्यूज। अगर आपकी फीस क्लियर हो जाती है तो आप कॉलेज से या फिर अपने कंसल्टेंट से डिमांड करें कि आपको एक कॉलेज के लेटर हेड पर एक नो ड्यू सर्टिफिकेट मिले या फिर आपके कंसल्टेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिले, ताकि आपका कॉलेज या फिर आपका कंसल्टेंट आपसे एक्स्ट्रा फीस की डिमांड ना कर सके। देन फिर फिफ्थ नंबर पर होता है एक्स्ट्रा चार्जेस। स्टूडेंट्स एडमिशन लेते टाइम आप अपने कंसल्टेंट से जरूर पूछ ले कि क्या जो आपकी फीस है उसमें कोई एडिशनल कॉस्ट तो नहीं है। डिग्री का एक कोर्स 1,000-2,000 रुपए एक अलग बात है जो कोर्स पूरा करने के बाद में आपको मिलता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल्स के लिए, बुक्स के लिए या फिर कोई नॉन अटेंडिंग चार्ज, सब कुछ आपका इस फीस में होना चाहिए। इस फीस के अलावा आप बता दीजिए कि आपके क्या एक्स्ट्रा खर्चे हैं, 1,000-2,000 या 3,000 रुपए हम एक लिमिट तक आपको पैसे देंगे। ऐसा ना हो कि 10,000-20,000 रुपए 25,000 रुपए का आपको एडिशनल खर्चा देना पड़े बाद में। तो आपको एक फीस तय करनी है कंसल्टेंट के साथ में कि मान लीजिए हम आपको टोटल 1,05,000 रुपए देंगे, इसके अलावा हम आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। एक फीस आपको तय करनी है एडमिशन लेते समय, ताकि आप बाद में होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों से बच जाएं। बुक्स भी कोशिश करें कि आप उसमें इंक्लूड करवा लें। अब बहुत से स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि सर क्या फॉर्म निकल चुके हैं या फॉर्म कब निकलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म ऑफिशियली इसके जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही निकलते हैं, लेकिन कॉलेज अपनी सीट को बहुत पहले फिल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं तो कॉलेज ने अपना स्टार्टिंग अमाउंट रखा 90,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, तो इस अमाउंट के अंदर कॉलेज अपनी स्टार्टिंग सीट फिल करेगा। उसके बाद में जैसे जैसे कॉलेज की सीट फिल होती जाएगी कॉलेज अपनी सीट्स के रेट को बढ़ा देता है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज के अंदर अपनी सीट को एडवांस में बुक कर लें, इससे आपको सही रेट मिल जाएगा बीएड का।
इसके अलावा जितने भी अपडेट्स बीच बीच में आते रहेंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और एडमिशन के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।